अब दूसरी चीज़ हम इसी के ऊपर ये बनाना सीखते हैं कि हम अपने YouTube का लोगो कैसे बनाएंगे। लोगो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पे बॉक्स का निशान आप देख पा रहे होंगे, तीन बॉक्स है, इसके ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे आप देखिए डिफॉल्ट लिखा हुआ, आपको डिफॉल्ट कर देना है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करेगा, फिर आपको ये न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ कोने पर जाकर इसको डिलीट कर देना है। आप इसको डिलीट करेंगे तो आपके सामने ये सादा इंटरफेस आ जाएगा। एक बार हम चलते हैं अपने यूट्यूब के स्टूडियो में और वहाँ पर जाकर के हम लोगो को एक बार देखते हैं। ये आप जैसा देख पा रहे हैं ये लोगो है, लोगों का जो हमारा साइज़ होता है वो 800x800 यानी लोगों की लंबाई चौड़ाई सेम होती है, लेकिन लोगों का साइज़ लोगों में कोई भी मैटर नहीं करता, हमने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया। तो अब हम दोबारा चलते हैं पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में अब हम आएंगे, पिक्सल लैब में आने के बाद फिर उसी तीन डॉट पर जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद इमेज साइज़ में जाएंगे। इमेज साइज़ में जाने के बाद जो हमारे लोगों का इमेज साइज़ है हम उस साइज़ को यहाँ पर फिल करेंगे, और उस साइज़ को फिल करने के बाद हम यहाँ पर जल्दी से इसको ओके करेंगे और ये हमारा इमेज साइज़ आ गया। क्योंकि लोगो हमें गोल टाइप का बनाना है, इसी गोल बॉक्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप शेप में जाएंगे, शेप में जाने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे गोल टाइप का एक निशान आया हुआ, आप इसको ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैपेसिटी का ऑप्शन है, फिल कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है, तो स्ट्रोक विद लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको इसको बढ़ा देना। आप इसको जैसे बढ़ाएंगे देखिए ब्लैक होता जा रहा है वो। आप यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30 कितना भी रखना चाहे रख सकते हैं, हम इसको 25 रखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आए, ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पे कैपेसिटी 100% है, कैपेसिटी आपको घटा देना है। जैसे हमने कैपेसिटी इसका जीरो कर दिया और इसको हम ओके कर देंगे, और फिर इसको पकड़ के हम कोने पे ले जाएंगे। कोने पे ले जाने के बाद इसको हम ये कोना पकड़ के इसको हम बड़ा कर देंगे। जैसे हम बड़ा करेंगे इस तरह का कुछ हो जाएगा। अब हम ये चाहते हैं हमारा जो बैकग्राउंड कलर है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर चेंज करना है। तो आपको ये वाले बॉक्स में जाना है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे कलर का ऑप्शन है, आपको इसमें जाना है और यहाँ पे आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर आप बैकग्राउंड में दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे यही वाले कलर को लेते हैं बैकग्राउंड में, इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब ब्लैक कलर क्योंकि हमने लिया है, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप वहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपने चैनल का नाम या जैसे भी हमको लोगो बनाना था। हम दोबारा ये ए में आएंगे, ए में आने के बाद ये टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट के ऑप्शन में जाने के बाद हम इसको दो बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर वाई लिखते हैं क्योंकि हमारे चैनल का नाम यूट्यूब डेमो, हमने वाई लिखा, यहाँ पर ओके कर दिया, इसको हम हल्का सा बड़ा कर देंगे। उसके बाद दोबारा जा करके हम यहाँ पर डी लिखते हैं, यहाँ पर जा करके हम दोबारा बड़े में डी लिखते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। दोबारा ला करके हम इसको कोना पकड़ के बड़ा करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम बनाते हैं YouTube चैनल का लोगो। आप इसको अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। हम जल्दी से आपको बना करके दिखाते हैं कैसे आपको लिखना है। यहाँ पर हमने इसको ला करके लगा दिया है। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने आपको बताया यहाँ फॉन्ट में आप जाएँ, यहाँ पर टेक्स्ट आप जा करके चेंज कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट आप लगा सकते हैं। दोनों का टेक्स्ट हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा कुछ अच्छा लगे, तो इसको हम इसके बराबर में ला करके फिट करेंगे और फिर हम अपने YouTube का नाम लिखते हैं। जो हमारे YouTube चैनल का नाम है, अब हम दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद इसके ऊपर दो बार क्लिक करेंगे और जल्दी से हम अपने YouTube चैनल का नाम लिख देते हैं। ये हमारे YouTube चैनल का नाम हो गया, इसको लाते हैं यहाँ पर उठा करके नीचे लाते हैं। नीचे लाने के बाद यहाँ पर हम इसको फिट कर देते हैं, साइड में आ करके ड्रैग करके हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, कोई भी फॉन्ट लगा देते हैं। हम आपको जल्दी से सिर्फ बता रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप कुछ नया सीख पाएँ। थोड़ा सा जल्दी करके हम आपको बताते थे ये कुछ इस तरह हमने फिट कर दिया। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सेट करेंगे एक बार, और यहाँ पे आप देखिए कलर चेंज का ऑप्शन आता है। कलर में जाएंगे, कोई भी कलर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। यूट्यूब डेमो इसका कलर हम यहाँ पर जा करके चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज कर दिया, फिर हम ऊपर जाएँगे यहाँ सेव के ऑप्शन में, सेव में जाएँगे और इसको हम यहाँ सेव कर लेंगे। हमने सेव करने के लिए किया, इन्होंने हमसे यहाँ इन्फॉर्मेशन पूछा है तो हम यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देंगे। तो अब ये हमारी गैलरी में सेव हो चुका है। अब हम जाते हैं दोबारा अपने यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद अब हम इसको लगाते हैं, कैसे इसको हमको इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इसको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एड चैनल आर्ट, यहाँ पर भी लिखा हुआ, आप कोने पर जाएंगे यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा, दोनों जगह जा करके आप कर सकते हैं। हम चैनल आर्ट के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं और जैसे हम एड चैनल आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है सिलेक्ट अ फोटो के ऊपर, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे फाइल पूछा जाएगा आपकी जो फोटो है वो किस फाइल में है। तो हम यहाँ पर फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद ये जो देखिए हमने चैनल आर्ट बना दिया, चैनल आर्ट हमारे सामने आ गया, इसको हम एक बार क्लिक करेंगे ये हमारे सामने प्रोसेस खुल करके आ जाएगी, यानी तुरंत ये अपलोड हो गया। अब अपलोड होने के बाद हमारा चैनल आर्ट कैसा दिखेगा ये देखिए, जब हमारे चैनल आर्ट को डेस्कटॉप पे देखा जाएगा ये कुछ इस तरह का दिखेगा यूट्यूब डेमो, हमारे चैनल आर्ट को टीवी पे देखा जाएगा ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और अगर हमारे चैनल आर्ट को मोबाइल पे देखा जाएगा ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा।
अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली कि हमने यहाँ पे लाल कलर और पीले कलर को साफ़ रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। उसकी वजह यही है, अगर आप लाल कलर पे लिख देंगे या पीले कलर पे लिख देंगे, जब आपका चैनल आर्ट मोबाइल में दिखाया जाएगा, मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, तो वो जो आपका लाल वाला हिस्सा है, रेड वाला हिस्सा है, वो आपका कट जाएगा, येलो वाला हिस्सा है वो आपका कट जाएगा। इसीलिए आपका जो सेफ एरिया होता है वो आपका जो नीला वाला हिस्सा हमने बताया, जो मोबाइल एरिया होता है वो आपका सेफ एरिया होता है। अगर आप पूरे में कुछ लिख देते हैं और जब कोई इंसान उसको मोबाइल पे देखता है तो वो हिस्सा आपका कट जाता है और वो देखने में बेतुका से लगता है, ख़राब से लगता है। इसीलिए आपको सिर्फ उतने ही हिस्से में लिखना है जितने में मोबाइल का हिस्सा है और उसी को सेफ एरिया माना जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ नीचे आप जाएंगे, नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि सिलेक्ट का ऑप्शन है, एडजस्ट दिस क्रॉप है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिलेक्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए और ये देखिए यहाँ पर सेव हो रहा है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव होकर के आ गया। मतलब ये हमारा जो चैनल आर्ट था वो हमारा चैनल आर्ट लग गया। यहाँ पे यूट्यूब का जो स्पेलिंग वो थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये हम आपको दिखाने के लिए बना रहे थे। अब हम आपको दिखाते हैं अपना लोगो कैसे लगाएं। फिर आप लोगो पे ये जो पेंसिल का निशान, आप इसके ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर जाने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एडिट, आपको एडिट के ऊपर जाना है। एडिट के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे आपके सामने एक नया टैब खुल करके आएगा, उस नए टैब में आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस नए टाइप पे जाएंगे कुछ इस तरह का खुल के आएगा। वाई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक हमने कोई पिक्चर नहीं लगाया है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ ऐड प्रोफाइल पिक्चर, हम इसके ऊपर जाएंगे और हमारे सामने ये खुल करेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, आप इसके ऊपर एक बार टाइप करेंगे और आपके सामने फिर वही फाइल खुल के आएगी। आप अपने फाइल में जाएंगे और वहाँ पर जो हमारा लोगो है, ये लोगो है, हम इस लोगो को ले लेंगे। जैसे ही हम लोगो को लेंगे हमारा लोगो अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद हमें साइज़ दिखाया जा रहा है कि आप किस साइज़ में, जब आपका लोगो अपलोड होगा तो ये इस साइज़ में आएगा, इस तरह से आएगा, यानी जितना हमने गोल लिया था वो पूरा हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सेट अप प्रोफाइल फ़ोटो पे जाएंगे, हम इसको एक बार क्लिक करेंगे और ये हमारे प्रोफाइल फ़ोटो में सेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे प्रोफाइल फ़ोटो में यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अपने YouTube चैनल के स्टूडियो में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। हमें क्या करना है, एक बार इसको कोने पे जा करके यहाँ पे रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करने के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए जैसे हमने रिफ़्रेश किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा चैनल लोगो आ गया है। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में चैनल आर्ट ऐड कर सकते हैं और चैनल लोगो लगा सकते हैं। बाकी हम पिक्सल लैब के बारे में एक पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इसी वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम पिक्सल लैब की सारी जानकारी देने वाले। पिक्सल लैब को कैसे यूज़ करना है, किस प्रकार आप पिक्सल लैब में एडिट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर काम अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हैं तो आपको पिक्सल लैब से ही करना पड़ेगा। आप अपना थंबनेल वगैरह जो कुछ भी चेंज करते हैं वो पिक्सल लैब में ही बनाते हैं, पिक्सल लैब में एडिट करते हैं। हम पार्टिकुलर एक वीडियो आपको पिक्सल लैब के ऊपर बना करके दे देंगे, जिसमें आप इससे बेहतर चैनल आर्ट और YouTube लोगो आप बना सकते हैं। अभी के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने आपको एक डेमो दिया है, जिसमें कि आपको बनाने का तरीका पता चला होगा और कैसे बनाया जाता है वो चीज़ आपको पता चली होगी। जो चीज़ हमारी थी अबाउट सेक्शन, और अगर आप मोबाइल के YouTube चैनल पर जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे हम आपको एक बार ले जा करके दिखा देते हैं कि चैनल लोगो, चैनल आर्ट और अबाउट सेक्शन कहाँ पर होता है और लिंक कहाँ पर इंसर्ट होता है। तो चलिए चलते हैं एक बार यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे अपने मोबाइल में YouTube चैनल को ओपन किया हुआ है। YouTube चैनल पे आप अपने चैनल पे यहाँ पे कोने पे जाएंगे, कोने पे जाने के बाद यहाँ पे योर चैनल का ऑप्शन है, इसको हम ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए मेरा चैनल आर्ट लगा हुआ है जिसमें द लाइफ पॉइंटर लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला चैनल आर्ट है। ये हमारा लोगो लगा हुआ है यहाँ पे जिसमें TL लिखा हुआ है। उसके बाद आप इसको हल्का सा ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद ये लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे अबाउट का सेक्शन है, इसी को कहा जाता है चैनल का अबाउट सेक्शन। और नीचे आप देखिए आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज का लिंक लगा हुआ है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर एक बार जाकर के फॉलो कर लीजिए। तो ये हमारा अबाउट सेक्शन होता है। इसको कैसे लिखा जाता है और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो चीज़ हम आपको यूट्यूब स्टूडियो में बताने वाले। चलिए चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अपने मोबाइल के यूट्यूब स्टूडियो में आ गए। इसको आप जैसे ही जूम करेंगे यहाँ पे देखिए अबाउट का सेक्शन लिखा हुआ, अबाउट लिखा हुआ है, आपको अबाउट पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप अबाउट पे क्लिक करेंगे या आपके सामने नया टाइप खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चैनल डिस्क्रिप्शन, आपको इसके ऊपर एक बार टाइप करना है। जैसे आप चैनल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ये लिखने का ऑप्शन आपके सामने आ गया, आप अपने बारे में कुछ इसमें लिखिए। हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे हाय, हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लिखना। आपको अपने चैनल के बारे में कुछ लिखना, कुछ डिटेल हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। कुछ चीज़ें हमने आपके बारे में लिख करके हम उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो दोस्तों जैसा कि देखिए आपने यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है कि आपको अपने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। हमने आपको यहाँ पे कुछ आइडिया दिया, उसी आइडिया के हिसाब से आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले देखिए ऊपर हमने लिखा है किस चीज़ से रिलेटेड आपका चैनल है, यानी किस चीज़ से रिलेटेड आपने चैनल बनाया, आप अपने चैनल पर क्या बताना चाहते हैं,
आप अपने चैनल को किस निश से रिलेट करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिए। दूसरी चीज़ आप वहाँ पे लिखिए लोगों को आपके चैनल पे आने से क्या फ़ायदा है, लोगों को आप क्या सिखा सकते हैं, लोगों को आपको क्या दे सकते हैं, क्या सर्व कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आप लिखिए। कुछ आप अपने बारे में लिखिए आप क्या हैं, कैसे आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई शेड्यूल वगैरह है, कोई आपने शेड्यूल बनाया है कि आप किस टाइम पोस्ट करना है, आपके पोस्ट करने का तरीका क्या है, तो आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। अगली चीज़ आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, आपसे बात करना चाहे, आपसे किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहे, तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको आपको लिखना है। कॉल टू एक्शन आपको लिखना है कि आप अगर मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा लिया, आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं जिस अंदाज में, वो चीज़ आपको लिखना है। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर मिलते हैं वो 5000 कैरेक्टर मिलते हैं, यानी 5000 वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको अबाउट को प्रोफेशनल तरीके से भरना है, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके विजिटर्स आपके चैनल पे रुके, आपके विजिटर्स आपके चैनल को बार बार विजिट करें, आपके व्यूअर्स आपके चैनल को बार बार विजिट करें, तो आपको अबाउट सेक्शन को बहुत अच्छे से बहुत क्लियर तरीके से मेंशन करना है, भरना है। अगर आपका कोई गोल है, कोई टारगेट है, आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर अचीव करना चाहते हैं, आप एक महीने में 1,00,000 व्यूज अचीव करना चाहते हैं, यानी जो भी आपके गोल्स है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगली चीज़ अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप देखिए नीचे ईमेल का ऑप्शन आया हुआ है। ईमेल के ऑप्शन में आप अपना ईमेल वगैरह या जो भी आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ईमेल का, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे भी आप डालना चाहे, जो भी ईमेल डालना चाहे, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ यहाँ पे आती है लोकेशन, कि आप अपना लोकेशन चुन सकते हैं कि आप किस लोकेशन पे या किस लोकेशन पे आप काम करना चाहते हैं, किस लोकेशन पे आप वीडियो को डालना चाहते हैं, या किस लोकेशन के लोग आपके चैनल पे आएँ, या आप किस लोकेशन पे रहते हैं, वो सारी चीज़ें ये लोकेशन दर्शाती है। ये सारी चीज़ें इस लोकेशन पे दिखाया जाता है। तो ये आपका लोकेशन हो गया। अभी हम यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं डालेंगे और हम इसको बैक करते हैं। अगली चीज़, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है। नीचे आप आइए, देखिए लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। लिंक के ऑप्शन पे आप एक बार क्लिक करेंगे, तो जैसे ही लिंक के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये दिखाएगा ओवरले फर्स्ट 5, यानी आप 5 लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। लिंक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे देखिए ऐड का ऑप्शन आया हुआ, आपको ऐड के ऊपर एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखिए लिंक टाइटल मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स, यानी आपका जो लिंक का कैरेक्टर होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 शब्दों में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना, अगर आपका फेसबुक का लिंक है तो आपको यहाँ पे फेसबुक लिखना है, अगर आपका इंस्टाग्राम का लिंक है तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखना है। तो जल्दी से हम यहाँ पे अपना लिंक को भरते हैं, उसके बाद हम आपको फिर क्लियर तरीके समझाते हैं कि यह है क्या चीज़। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने ऊपर वाले में लिखा है फेसबुक पेज लिंक और नीचे हमने लिखा है इंस्टाग्राम लिंक। और अगर हमको कुछ और भी ऐड करना है तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे, तीसरा हमारे सामने खुल करके आ जाएगा, फिर हम ऐड पे क्लिक करेंगे, चौथा हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें दो ही लिंक अभी यहाँ पे इंसर्ट करना है, हम यहाँ पे साइड में जाएंगे, यहाँ से हम दो को डिलीट कर देंगे। आपको दो एग्जांपल हम आपको देंगे, आप समझ जाएंगे कि दो से और कैसे हमको आगे लिंक क्रिएट करना है या लिंक को हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फेसबुक पेज लिंक जहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे हमको फेसबुक का जो लिंक हमारा होगा उसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे फेसबुक पेज लिंक लिखा हुआ है उसके सामने हमने अपना फेसबुक पेज का लिंक पेस्ट कर दिया, और जहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक लिखा हुआ है यहाँ पे हमने अपना इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिंक की स्पेलिंग गलत हो गई तो हम इसको यहाँ पे के लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी सोशल मीडिया लिंक को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया लिंक को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आप इसको डन कर देंगे, यहाँ पे जाकर ये डन का ऑप्शन है, आप इसको डन कर देंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगी। सेव हो गया, ये देखिए यहाँ पे दिखा भी दिया फेसबुक पेज लिंक, इंस्टाग्राम पेज लिंक। अब जो हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था अबाउट चैनल के बारे में, हम इसको भी यहाँ पे जाकर के डन कर देंगे और ये भी हमारा सेव हो जाएगा। ये देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सेव हो गया। किस चीज़ से रिलेटेड आपका चैनल है, आप अपने चैनल से लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, वो हमारा सेव हो चुका है। तो इस प्रकार से इसको हम डन करते जाएंगे और ये हमारा सेव हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी सेव हो गई हैं, और अबाउट सेक्शन में जब हमारा कोई जाएगा तो वहाँ से वो इन चीज़ों को देख सकता है, इन चीज़ों को समझ सकता है और चैनल के निश के बारे में जान सकता है। यहाँ से दोबारा हम होम पे आएंगे और होम पे आने के बाद जिस पेज पे हम थे दोबारा हम उसी पेज पे पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा चैनल लिंक आ चुका है। ये आप देखिए यहाँ पे बहुत से चैनल पे आपने देखा होगा हमारा फेसबुक पेज लिंक और यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ पाएंगे कि आप अपने चैनल का लोगो कैसे क्रिएट करेंगे, चैनल आर्ट कैसे क्रिएट करेंगे और किस साइज़ में आपको क्रिएट करना है, आप अबाउट सेक्शन में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, और आपने सोशल मीडिया लिंक को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना है, इससे आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फाइनली थैंक यू वेरी मच।